हे गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी टुगेदर। लेट्स स्टडी टुगेदर में आपका स्वागत है। ये हमारी www.letsstudytogether.co ये हमारी वेबसाइट है, जिसपे आपको किसी भी वनडे एग्जाम के लिए कंटेंट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, इसी के साथ साथ नोटिफिकेशन, कट ऑफ प्रिडिक्शन, इसी के साथ साथ जितने भी स्टडी संबंधित जानकारी है यहाँ पे बहुत आयत में उपलब्ध है। तो एक बार यहाँ जाइए और देखिए, और आपको नहीं मिलती कोई चीज तो हमें जरूर लिखिए, हम उस पर भी आर्टिकल या कंटेंट या उस पर बुक आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो करंट अफेयर्स का जो हमने सवाल उठाया वो है SC ST मामला क्या है। बेसिकली अभी कल परसों भारत बंद का भी ऐलान किया गया था, और उस भारत बंद में पूरा भारत जला भी है, और भारत बंद के बाद कई जगह एट्रोसिटी भी लगी है, कई जगह लड़ाइयां भी हुई है, कई लोग मरे भी हैं। ये मामला आखिर है क्या? तो इसे जानने से पहले हमें जाना पड़ेगा SC ST क्या है, जिसके बारे में ये सारा मामला है। तो SC ST बेसिकली ये SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है। ये देखो होता क्या था, जो भी SC ST क्लास थी ये ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स या उससे पहले भी हमेशा से भारत में SC या ST के लोगों के खिलाफ काफी कुछ होता था, अत्याचार होते थे, उन्हें दबाया जाता था, ये सारी चीजें होती थी, और छुआछूत जैसी चीजें भी, बुराइयां भी विद्यमान थी। तो उनको लेकर एक अनटचेबिलिटी एक्ट था 1955, लेकिन ये भी नहीं रुक रहा था। और 1989 राजीव गांधी की सरकार थी, इससे पहले भी ऐसा कुछ एक्ट बनाने की कोशिश की गई थी कि जिससे कि आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अंदर जो अबोलिश अनटचेबिलिटी का जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो छुआछूत को खत्म करने की एक फंडामेंटल राइट आपको मतलब SC ST वाले लोगों को दिया था, उसको सिक्योर करते हुए एक एक्ट बना SC ST, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी भी बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी बेसिकली जो अत्याचार है SC ST वालों के खिलाफ, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी बोलते हैं इसको। ये 1989 में बना और इसे लागू कर दिया गया 30 जनवरी 1990 को राष्ट्रपति द्वारा ये पास कर दिया गया, ये बहुमत से पास हुआ था और ये बन गया एक एक्ट। अब इस एक्ट की कुछ खासियत ये थी, यदि कोई भी व्यक्ति अब छुआछूत में या SC ST के अपमान सूचक कुछ शब्द बोलता है या अपमान करता है या उनका किसी भी रूप से उनपे अत्याचार करता है, तो दे कैन गो टू पुलिस, वो पुलिस में जा सकते हैं और पुलिस विल डायरेक्टली जेल, पुलिस सूचना मिलते ही उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के खिलाफ ये एक्ट लगाने की बात की गई है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद पूछताछ होगी, और पूछताछ भी इसमें ये प्रावधान था कि जेल में डालने से क्या होता है, अग्रिम जमानत करके एक होता है कि आपने कोई क्राइम कर दिया, आप कोर्ट में जाके अग्रिम जमानत ले लेते हो, पहले से ही जमानत ले लेते हो, ऐसा अग्रिम जमानत भी इसमें बिल्कुल नहीं था। और इसमें कुल 6 महीने से लेकर यहां तक की उम्र कैद, और इसके अलावा ज्यादा हीन प्रभाव का कोई अत्याचार है तो उसके अंदर फांसी का भी प्रावधान था। तो ये बनाया गया एक अच्छे काम के लिए था, लेकिन होता क्या है, जब भी कोई एक्ट बनता है, ऐसा कोई एक्ट बनता है जिसमें समाज के दो टुकड़े, दो विभाजन किए गए हों, एक का प्रोटेक्शन हो दूसरे के खिलाफ, तो उसमें होता क्या है, कई बार उसका गलत उपयोग भी किया जाता है। तो देखा गया कि गलत उपयोग के भी बहुत सारी सूचनाएं आई, तो इसमें जो जनरल वाले लोग थे या जो अपर जो स्वर्ण जाति वाले लोग थे, उन्होंने भी काफी शिकायतें की कि वो किसी भी तरीके से किसी SC ST वाले को कुछ बोल भी नहीं सकते थे, पैसे दे दिए तो पैसे भी वापस नहीं आते, ये काफी सारी सूचनाएं भी आई। हालांकि इस एक्ट का बहुत अधिक फायदा मिला, लोगों के स्तर में बदलाव आया, लोगों की सोच में बदलाव आया SC ST के कारण। जो अत्याचार पहले देखने को मिलते थे, केरला में जला दिया जाता था, यहाँ राजस्थान में भीड़ द्वारा मार दिए जाते थे, पकड़ के पीट के मतलब खंबे के लटका के मार दिया जाता था, ये सारे धीरे धीरे ये अपमान कम होने लगे।
अब हुआ ये, एक महाराष्ट्र के अंदर एक टीचर है, क्या है, एक टीचर है, उनके खिलाफ किसी ने ये एससी एसटी एक्ट लगाया और उनको हो गई जेल। अब उनका कहना ये था कि मेरे खिलाफ ये गलत लगाया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब चूंकि प्रावधान ऐसा है कि सीधा का सीधा जेल भेज दिया जाए, इसलिए मुझे जेल गलत भेजा गया है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। अब 30 मार्च की बात है, माफ कीजिएगा 20 मार्च की बात है, 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है इस मामले में, और उस फैसले के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई, कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ बातें कही गई। बातें इस प्रकार थी, यदि कोई सरकारी नौकर है या कोई सरकारी कर्मचारी है या पब्लिक सर्वेंट है, इसके खिलाफ यदि कोई ये एससी एसटी एक्ट की बात होती है, तो उस सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करने से पहले विभागीय अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट जेल हो जाती थी। अब विभागीय अध्यक्ष जब परमिशन दे देंगे, उसके बाद कोई भी डीएसपी रैंक वाला पुलिस, डीएसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करेगा इस मामले में, क्या करेगा, पूछताछ करेगा, पूरी जांच पड़ताल करेगा, और उसके बाद जेल दी जाएगी। और इसी के साथ साथ उसमें अग्रिम जमानत का भी प्रावधान रखा गया कि अग्रिम जमानत, इसमें कुछ एक केसेस में अग्रिम जमानत भी दे दी जाए। इसके अलावा आम आदमी पर भी सीधा जेल नहीं होगा, एसपी रैंक का कोई भी ऑफिसर पहले इंक्वायरी करेगा, फिर जेल जाएगा। अब इसी कारण से एससी एसटी वाले जितने भी जनता है या जितने भी समर्थक हैं, उनको ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिन कारणों के कारण सरकार ने ये एक्ट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छीन लिया गया है, तो इससे क्या होगा, उन्हें लग रहा है कि फिर से अत्याचार बढ़ेंगे, फिर से एट्रोसिटी होगी, फिर से छुआछूत फिर से प्रिवेल हो जाएगी। इसीलिए सबने भारत बंद का ऐलान किया, और उस भारत बंद में ये सब, भारत बंद में जो देखा जा रहा है, जो आग की तरह फैली हुई, जो कुरूतियां हुई, किसी को मारा गया, किसी को पत्थर मारे गए, ये सारी चीजें इसमें हुई। अब इसमें एक जानने वाली, एक नोट करने वाली बात यह है कि वर्ष 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने भी इसमें कुछ बदलाव किए थे। अब गवर्नमेंट ने क्या बदलाव किए थे, मोटा मोटा तौर पर पहले क्या होता था, एससी एसटी एक्ट के तहत यदि चले जाते हो तो पहले कोई मुआवजा राशि नहीं थी। वर्ष 2016 में जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने मुआवजा राशि भी सुनिश्चित की महिलाओं के, जो महिलाएं एससी एसटी एक्ट लगाती थी किसी पर, तो उनको मुआवजा राशि भी दी जाने लगी। तो एक तरफ से सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीचे, मैं ये साफ बता देता हूं, इस मामले में एज इन सच कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, सरकार का पक्ष कुछ और है, लोगों का कुछ पक्ष और है, तो ये सीधा सीधा संसद बनाम कोर्ट एक लड़ाई है जो आम लोगों के बीच पहुंची, और उस आम लोगों के बीच पहुंचने के बाद उसने इतनी बड़ी आगजनी का आगाज हो गया। तो इसमें जो अभी गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वो फिर से कोर्ट जाएंगी और फिर कोर्ट के अंदर इसका पक्ष रखेंगी, लोगों का, आम लोग, एस सी एस टी वाले लोगों का बिल्कुल पक्ष रखा जाएगा। और आज की डेट में 3 अप्रैल को कोर्ट भी गए, और कोर्ट ने ये कहा कि गिव अस 10 डेज टाइम, 10 दिन का समय दीजिए, गाइडलाइंस हैं ये, तब तक आप संभालिए, 10 दिन के अंदर वापस से कुछ नई गाइडलाइंस दी जाएंगी सबको सिक्योर करते हुए। तो ये है एससी एसटी एक्ट मामला। बहुत सारे एग्जाम्स में, एमपी जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, अब हो सकता है क्योंकि न्यूज में है तो राजस्थान में भी पूछा जाए, आपके यूपी आरओ में भी पूछा जाए, और पंजाब पीसीएस पे भी पूछा जाए, इस प्रकार जितने भी पीसीएस हैं उनमें पूछे जाने के सारे संभावनाएं। तो पूछा ये जाएगा किस वर्ष कौन सा एक्ट है, 1989 कब लागू हुआ, 30 जनवरी 1990, किसकी सरकार के समय, राजीव गांधी सरकार के समय, और वर्ष 2016 के अंदर क्या बदलाव हुए, तो मैंने ये आपको पूरा समझा दिया।
तो दोस्तों ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट, और अभी हम निरंतर चालू रहेंगे। इसी के साथ साथ हम राजस्थान पीसीएस आ गया है आपका, जैसे कि हमारे कल के वीडियो में आपको देखा होगा राजस्थान पीसीएस का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आपको रेगुलर यहाँ पे राजस्थान पीसीएस के वीडियोस मिलेंगे। इसी के साथ साथ कुछ कंटेंट भी मिलेगा, और हम चाहेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको उपलब्ध कराएं। तो आप सारी चीजें देखते रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इसी के साथ साथ कमेंट कीजिए आपको जिस भी करंट अफेयर में जिस भी टॉपिक जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता हमें जरूर लिखें, हम जरूर उस पर प्रतिक्रिया देंगे। और फिर अगले टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।